जो सौराष्ट्र गुजरात का मूंगफली का पैदावार की बात है, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव ने रिमोट प्लेसेस में बहुत ट्रैवल किया है और हमने टेलीफोनिक भी किसानों के साथ, हमारे प्रतिनिधियों के साथ कॉन्टेक्ट करके जो हम ये निष्कर्ष पर आए हैं कि सौराष्ट्र और गुजरात का इस साल का मूंगफली का जो खरीफ क्रॉप है वो 13.05 लाख टन होगा। पिछले साल हमारा फिगर था वो 25 लाख टन का था, उसके हिसाब से 48% का कटौती आई हुई है। बहुत सारा नुकसान हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत सारा नुकसान होगा। जो मूंगफली की ऐसे क्रश होकर जो तेल बनता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा तेल है, तो वो अच्छा बेनिफिशियल तेल प्राप्त करने में भी लोगों को थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, तो उसकी वजह से ये कंट्री के लिए तो अच्छी बात नहीं है। सब्स्टिट्यूट एडिबल ऑयल की आयात बहुत बड़ी मात्रा में होती है, तो उस जो हमारी शॉर्टफॉल है, हमें आयात तो करनी ही है पर शॉर्टफॉल से बहुत ज़्यादा तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से किसानों को ठीक से दाम नहीं मिलती, इसलिए किसानों को थोड़ी बहुत नाराज़गी सोइंग में, ये ऑयलसीज का सोइंग में रहती है। तो 25 से 30% तो जो सोइंग ही कम हुआ था उसका भी, और जो मानसून है हमारा वो थोड़ा इरेटिक और इरेगुलर रहा, उसकी वजह से इतना बड़ा प्रोडक्शन में कट आया है। हाँ, क्योंकि हमारा बिजनेस है एडिबल सी ऑयल सीज, मूँगफली नहीं, बाकी का भी एडिबल ऑयल सीज जो यहाँ पास है उसको क्रश करके उससे तेल बनाना, तो इम्पोर्टेड तेल इतनी बड़ी मात्रा में आता है, तो उसकी वजह से हमारे जो मेंबर्स हैं उनको ठीक से जो मुनाफा मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, और दूसरे धंधों में इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी जब क्रिएट होती है तो नेचुरली दूसरे धंधे में डाइवर्ट होने लगे हैं।